सत श्री अकाल, अजीत वेब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर ते अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारदे हां अज दियां खास खास खबरों ते। किसानों वालों 378 दिनों बाद घर वापसी का ऐलान, 11 दसंबर नूं दिल्ली तो पंजाब तक होगा फतेह मार्च। सुच्चा सिंह छोटेपुर श्रोमणी अकाली दल विच होए शामिल, ट्विटर ते घिरे सिद्धू, CDS बिपिन रावत ते होर फौजी अधिकारियों नूं नहीं दित्ती श्रद्धांजलि। नेशनल शूटर ने गोली मार के की खुदकुशी, ते जनरल बिपिन रावत की मौत बारे रक्षा मंत्री ने लोकसभा विच की रिपोर्ट पेश। ते हुण इन्हां खास खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। दिल्ली बॉर्डर ते एक साल तो चल रहा किसान अंदोलन खत्म हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग विच किसान जथेबंदियों की आपसी सहमति तो बाद घर वापसी का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने केस वापसी समेत होर सारियां मंगां नूं प्रवान करन लई अधिकारित पत्र भी किसान जथेबंदियों नूं भेज दिता है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दस्या कि 11 दसंबर नूं दिल्ली तो पंजाब तक फतेह मार्च होवेगा। सिंगू ते टिकरी बॉर्डर तो किसान इकट्ठे पंजाब लई रवाना होणगे। 13 दसंबर नूं पंजाब दीआं 32 जथेबंदियां दे आगू श्री दरबार साहिब अमृतसर विखे मत्था टेकणगे। इस दे नाल ही 15 दसंबर तो पंजाब दे टोल प्लाजा ते खड़े किसानां नूं भी हटा दिता जाएगा। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित कर किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर SKM की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम सबसे हठी आदमी हम कह सकते हैं, सबसे हठी प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जिसको इस आंदोलन में झुकाया है, जिसको देश के किसानों ने झुकाया है और एक तरह से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने देश के किसानों को इकट्ठा कर दिया। आज देश के सारे संगठन उनके अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए पूरे देश के किसान संगठन एक मंच पर आए हैं और आगे भी ये लड़ाई जो है अन्य मुद्दों के ऊपर, क्योंकि अभी तो जो 2020 को भी उन्होंने कानून बनाए थे, अभी तो वही वापस किए हैं। उसके पहले की जो स्थिति किसानों की थी वो भी अच्छी नहीं थी, उसके सुधार के लिए अभी लड़ाई बाकी है और उसको कदम दर कदम हम आगे बढ़ाते रहेंगे और हर महीने जो है वो समीक्षा करके देखते रहेंगे कि सरकार ने अभी तक क्या किया है और उसके बाद अगला कदम जो है वो उठाते रहेंगे। केसेस के बारे में हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह के केसेस जो है हर तरह के आज इमीडिएटली, पहले था कि आंदोलन वापस लो फिर वापस किए जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली तत्कालीन तौर पर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो चाहे यूनियन टेरिटरी से दिल्ली है या बाकी प्रांत है, सरकार ने वादा किया है कि वो केस वापस होगी। फार्मर बिल के ऊपर भी ये आया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ साथ फार्मर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ही किसानों का मुद्दा जो है पावर बिल से निकालने का, वो किसानों के साथ डिस्कशन के बाद ही उसको संसद में लाने का वादा किया है सरकार ने। पराली बिल के बारे में दूसरे बारे में साथियों ने बता दिया है। सो मैं कहना चाहता हूँ ये संयुक्त किसान मोर्चे की ऐतिहासिक जीत है और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा, उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। आम आदमी पार्टी के सबका कन्वीनर ते सबका मंत्री जथेदार सुच्चा सिंह छोटेपुर श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल दी हाजरी विच अज अकाली दल विच शामिल हो गए। सुखबीर सिंह बादल वलों उन्हां दा स्वागत कीता गया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी नूं खड़ा करन वाले पंजाब विच सुच्चा सिंह छोटेपुर सन।
आम आदमी पार्टी ने सुचा सिंह छोटेपुर नूं धोखा दिता। उन्हां कहा कि छोटेपुर दे नाल वड्डा काडर जिला प्रधान ते कई होर श्रोमणी अकाली दल विच शामिल हो रहे ने। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि छोटेपुर दे अकाली दल विच शामिल होण नाल पार्टी नूं वड्डा बल मिलिया है। सुखबीर सिंह बादल ने सुचा सिंह छोटेपुर नूं वड्डी जिम्मेवारी सौंपदे हुए बटाला सीट तों श्रोमणी अकाली दल बसपा गठजोड़ दा उम्मीदवार ऐलानिया ते इस दे नाल ही पार्टी दा सीनियर वाइस प्रेजिडेंट वी लगाया है। एक नेक सियासतदान, एक ऑनेस्ट सियासतदान जिन्होंने सारी जिंदगी संघर्ष किया, एक रेपुटेशन कमाई। मैं सार सुचा सिंह छोटेपुर जी की गल कर रहा हूं, जो जदों आम आदमी पार्टी पंजाब च बनाई उदे प्रधान भी सी, ते आम आदमी पार्टी खड़ी करने वास विच बल्ला वड्डा सब तो वड्डा योगदान इन्हां दा सी। इन्हां दी इमेज करके आम आदमी पार्टी नूं बहुत ज्यादा बल मिलिया। जदों आम आदमी पार्टी ने इन्हां नाल धोखा दिता, असूलां नाल धोखा दिता, जिस असूल ते बनी सी उहदे उल्ट गए। ਸਾਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਨ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ, ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 18 ਘੰਟਿਆਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਜੋ 18-18 ਘੰਟੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 10-15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, 100-200 ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਛੋੜੋ, ਪਾਣੀ ਛੋੜੋ, ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਰ ਵਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ CDS ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਏ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਸ਼ਸੀਰਤ ਨਾਮਕ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਿਪਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਸਰ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਤੇ ਇਜਿਪਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ
डिप्रैशन 'ਚ महसूस करन लगी। उस तो बाद नैशनल जूनियर 'ਚ गई होनी दिल्ली, उत्थे पिछले साल ये 11 मैडल सीगे, इस बार ये एक सिर्फ टीम मैडल आया, इंडिविजुअल मैडल कोई नहीं आया। तो जदों तो यह 6 तरीक नूं आई है, जदों तो आई है चुप चुप रहिंदी सी, ते कुछ भी ज़्यादा किसी नाल गलबात नहीं करते। 3-4 दिन 'ਚ ही इन्नी डिप्रैशन 'ਚ आ गई कि भी मेरे पिछले साल इन्ने मैडल सीगे ते भी इस बार कोई भी नहीं मैडल आया। तो कोई वैसे यहोजी कोई गल परिवार नालों नहीं की, उन्हें तो साढ़े नालों नहीं की, मैं ये बिल्कुल बूहे के सामने आ मिलती, बड़ी हस के मिलती सी। MBBS की तैयारी कर रही थी भी इस की +2 के पढ़ने भी बड़ी वधिया इंटैलीजेंट सी, सारे पक्षों तो बहुत वधिया सी, साड़ी समझ तो बाहर है भी यहोजा बच्चा। ये जिहड़े बच्चे जिहड़े आ मेरे ख्याल 2 पॉइंट होंदी इहनां दी जिहड़ी जिहदे नाल इह खेडदे आ, स्पोर्ट्स गन, स्पोर्ट्स रिवालवर। ये सिर्फ उन्हां बच्चों नूं मिलदा जिहड़े बच्चे अच्छे होंदे, इहनां नूं साई वल्लों एक लैणा पैंदा, उहदा लाइसेंस बनाउणा पैंदा, ते ऑल इंडिया दा लाइसेंस हुंदा इहनां दा, उही बच्चे ले सकदे। इहनां दे विच उमर दी नहीं कोई गल हुंदी, भावें 14 साल दा होवे भावें 15 साल, उहदे नाल ही इहने हांजी शूट कीता। किन्ने क बजे दी घटना सी? ਇਹ ਰਾਤ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਸੌਂ ਗਏ ਰਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਆ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਆ, ਸੁੱਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ 1.5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਰਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਲੜਕੀ। ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਿੱਲੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 10 ਕਰੀਬ 10-11 ਮੈਡਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਡਲ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ .22 ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ, ਮਦਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 176 CRPC ਤਹਿਤ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਾਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 12 ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 11:48 'ਤੇ ਸਲੂਰ ਤੋਂ MY-17V5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12:15 ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। ਸਲੂਰ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12:08 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਨੂਰ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇਖੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਦੇਖਿਆ। मिलिट्री हेलीकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को
आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री गुरु नानक देव जी खिलाफ इतराज़ योग टिप्पणी करने वाले अनिल अरोड़ा नु लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि लुधियाना पुलिस दे कमिश्नर गुरप्रीत सिंह पुल्लर वालों की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले विच 8 दोषियों नु पहला ही काबू किया जा चुका है। जिक्र योग्य कि कुछ सिख संगठनों वालों अनिल अरोड़ा की गिरफ्तारी की मांग लैके कई बार प्रदर्शन भी किए गए सन। पुलिस कमिश्नर ने दसिया कि अक्तूबर महीने विच सिख संगठनों वालों एक मामला दर्ज करवाया गया सी, जिस विच श्री गुरु नानक देव जी खिलाफ इतराज़ योग टिप्पणी करन दे दोष विच अनिल अरोड़ा समेत कई दोषी पाए गए सन, जिन्हां विचों 8 दोषियों नू पुलिस वालों पहला ही काबू कर लिया गया सी। पर अनिल अरोड़ा पुलिस दी गिरफ्त चो बाहर चल रहा सी, जिस नू लुधियाना पुलिस ने बीती देर रात पंचकूला तो गिरफ्तार कर लिया। 20 अक्टूबर 2021 दे विच मुकदमा दर्ज किया गया सी 247 नंबर पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 3, जिस पहली पातशाही जी बारे कोई गलत तरह की लैंग्वेज बोली गई सी और इमीजिएटली परचा दर्ज करके तफ्तीश की गई हरेक एंगल तो, और जिहड़े इहदे विच टोटल 8 दोषी फड़े जा चुके सीगे, जिस वासु सियाल जो कि जीरे दा रहण वाला जिन्हें गल शुरू की सी ऑडियो दे उत्ते, तो उहदे च साडी बड़ी प्रोफेसनल तरीके नाल टीमां लगियां होईयां सी। मेन अनिल अरोड़ा बारे जिहड़ा मुख दोषी उन्हूं भी मन्निया जा रहा सी बराबर, और उहदी भाल दे विच बड़ी अलग अलग टीमां असीं लाईयां सी। उह साडी जिहड़ी CIA 3 दी टीम है इंस्पैक्टर बेअंत जुनेजे दे अंडर, उन्होंने रात इहनूं पंचकूले तो गिरफ़्तार किया टीम ने और बड़ा ही प्रोफेसनल तरीके नाल सारी ये कार्रवाई की गई, जिहदे कि इहदे अरैसट होण नाल जिहड़े दोनों मुख दोषी ने वासु सियाल ते अनिल अरोड़ा दोनों हुण अरैसट हो चुके हैं। जिहड़ा एक आशीष हैगा इन्हां दे नाल दा साथी, वह जिहदा पता लग्या कि इंग्लैंड दे विच, उहदी भी खिलाफ़ कार्रवाई जिहड़ी उहनूं वापस लिआउण दी कीती जा रही है। तो मैं इस जिहड़ी टीम है इन्हां नूं वाजब असीं इनाम देवांगे और मैं शलाघा भी करदा कि इन्हां ने बड़ा अच्छा काम किया और बड़े प्रोफेसनल तरीके नाल दिन रात मेहनत करके
ये मुख आरोपी गिरफ्तार किया। इनू असी कोर्ट च प्रोड्यूस करके जिहड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अगे की जाएगी और जिहड़ी भी साइंटिफिक एविडेंस सानू अवेलेबल हैगी है उहदी होर कोलैबोरेशन करावांगे और जिहड़ा जल्दी तो जल्दी इहदा बड़ा वैल प्रिपेयर्ड चलान वो पेश किया जाएगा। पिछले दिन गोइंदवाल साहब विखे 6 साल लड़की परवीन कौर की भेद परे हालातों में हुए कतल तो बाद कातलों की गिरफ्तारी की मंग नूं लैके आम आदमी पार्टी के खडूर साहिब हल्के तो आगू मनजिंदर सिंह लालपुरा ने गोइंदवाल साहब विखे भुख हड़ताल शुरू कर दी है। दस दईए कि पिछले दिन गोइंदवाल साहब विखे 6 साल बच्ची का कतल होने का मामला सामने आया सी। कातलों वालों बच्ची नूं कतल कर लाश नूं गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग विखे रेते थले दबा दिता गया सी। बेशक पुलिस वालों अणपछाते कातलों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है पर मृतक दे परिवार लड़की नूं न्याय दवाउण दे मकसद नाल आम आदमी पार्टी दे हलका खडूर साहिब दे आगू मनजिंदर सिंह लालपुरा वालों गोइंदवाल साहब विखे भुख हड़ताल की जा रही है। उधर थाणा गोइंदवाल साहब के मुखी केवल सिंह ने दस्या कि पुलिस वालों शक के आधार से 4 व्यक्तियों नूं हिरासत विच लिया गया है ते उम्मीद है कि बहुत जल्दी मामला हल कर लिया जाएगा। इस करके जी कुछ दिन पहला साढ़े हलका खडूर साहब के कस्बा जोड़ा गोइंदवाल साहब आ उत्थे एक 6 साल की बच्ची के नाल जोड़ा बच्ची का कतल होया सी। उस तो बाद जी डॉक्टर के 3 पैनल की पहली रिपोर्ट आई उस अखबार के छपया कि जोड़ा वा वो जबरजना होया तो उस तो बाद जो रेत दबिया गया वो इंसाफ के लिए परिवार ने जो 30 तरीक न लड़की गुम हुई उदों भी FIR दर्ज कराई प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस तो बाद फिर 2-3 दिन रोक के कराई फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जे प्रशासन अपनी कार्रवाई करता तो शायद वो बच्ची अज साडे विच जिहड़ी जिउंदी हुंदी ते उस बच्ची नूं मरन तो बाद भी जिहड़ा इंसाफ आ वह नहीं मिलिया अजे तक जिहड़े वो दोषी आ वह नहीं फड़े गए। इसलिए असीं भुख हड़ताल रखी है कि उन्हां दोषियों नूं जल्दी तो जल्दी फड़िया जाए तो उस परिवार को जिहड़ा इंसाफ मिले। किन्नी देर तक चली देखो 7 दिन के लिए असं भुख हड़ताल रखी है। उस तो बाद जे सियासी मुद्दा बनाया जा रहा कुछ पार्टियां ये भी कहना कि मनजिंदर सिंह सियासी ला लैन की कोशिश कर रहे हैं। जे सियासी मुद्दा बनाया उस बेटी को इंसाफ मिलता तो मैं लगता सियासी मुद्दा बना देना चाहिए। जे उन्हें इंसाफ दे के इन्हों लगता है कि देखो ये तो बड़ी माड़ी गल है वो मैनू नहीं समझ आती कि इं क्यों कहें कि मैं सियासी लाहा जोड़ा लेना चाहना इतने सारे का हक है सगो उन्हों का भी फर्ज बनता है कि इतने आके बैठन तो संघर्ष कर बजाए मनजिंदर सिंह टिका टिप्पणी क्यों करते हैं करनी है तो कांग्रेस से कर प्रशासन से कर मौजूदा MLA तो कर मनजिंदर सिंह तो ओपोजिशन का एक छोटा जहा हिस्सा है तो वह फर्ज है कि कोई भी साढ़े कोई घटना घटती है तो जे इंसाफ नहीं मिलता तो उत्थे जाके अपना पहरा देना। इन्ने दिन बाद भी कातल का पुलिस ने फड़न तो दूर है की कहना चाहोगे पुलिस की नाकामी है पुलिस प्रशासन बाकी फेल हो चुका। देखो ये तो पहला ही देखो दे नाल इन्ना कुछ होया तो कतल होया उस तो पहला महीने दिन से प्रशासन उतों ही समझ आती है कि खत्म हो चुका है कांग्रेस के राज दे विच जो कुछ हो रहा है कदे किते बलात्कार हो रहा कुछ दिन पहला तुसी खबर सुनी सी हुण साढ़े इत्थे होया तो इस करके कांग्रेस के राज दे विच बिल्कुल जिहड़ा प्रशासन आ वो नलायकी ते उतरिया रहा तो बड़ा माड़ा काम जिहड़ा उन्हें कीता तो जिहड़ी गल है 6-7 दिन बच्ची लभी नहीं इहदा सीधा ही वो है कि पुलिस अधिकारी जिम्मेवार ने जे वो कार्रवाई करते तो अज वो बच्ची जिहड़ी साडे विच होती संबंधी असी शक के आधार के उत्ते असी 4 बंदे राउंडअप कर ले जिन्हां दी पुछगिछ जारी है तो मैनू लगता 100% उम्मीद है भी अं जल्दी ही सच्चे पुज जाएंगे तो कतल जिहड़ा सामने कतल जिहड़ा सामने आ जाएगा। सर परिवार जिहड़ा खर्चा जिहड़ा जा रहा सर गुरुद्वारे विच उहदे सर कुछ लगा पता CCTV कोई फुटेज कोई गुरुद्वारे के कैमरे असी परिवारक मैंबर घट्टो घट 7-8 परिवारक मैंबर की हाजरी के गुरुद्वारे के सारे कैमरे चैक करवाए है द्वारा मेरे हिसाब से 3-4 बारी कैमरे अं चैक कर चुके हैं पर CCTV कैमरों के कित भी बच्ची का दिखाई नहीं दे रही आमदनी हैगी है तो फिर भी असी जी वो असी प्रजर्व करा लिया उस तरीक के जोड़े 30 तरीक न हुई है गलबात वो संबंधी असी जो कैमरे से रिकॉर्डिंग से उन्होंने प्रजर्व करा ली है वो असी रख ली है। दूसरी हैगी है भी जोड़े शक के आधार पर बंदे फड़े है उन्होंने पूछगिछ चल रही है फिलहाल असी होर भी बड़ी एजेंसी के लैके जा रहे इन्हों तो छेती ही कातल जोड़े सामने आ जाएंगे।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ MLA ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਏ। ਲੱਖਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਮੜ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆਲੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਆਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੇਗਾ ਰਾਏ ਹੇਠਾੜ ਵਿਖੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਥਰੂਮ ਢਾਹ ਤੇ, ਕਮਰੇ ਢਾਹ ਤੇ। ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਛੜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਿਰਨੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਈਵਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਦਖਲ ਵਾਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਫਿਰ ਦਖਲ ਵਾਰੰਟ ਮਿਲ ਗਏ, ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨੈਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸੇ ਨੇ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਨੈਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ JCB ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਢਾਈਆਂ। ਈਵਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਵਾਇਆ।
नहीं नहीं शुरू परले पासे किया एंड सरपंच साहब से किया तो जो एक दो घर रह गए उन्होंने कुछ इदा बच्चे है छोटे घर के जो कोई करे है नहीं गए उन्होंने साढ़े तो एक दिन का या दो दिन का टाइम मंगी जाते हैं बट हूँ इन्हों के आपस में आ भी जिनी भी करते जो नहीं करते वो इन पर डिपेंड करता भी ये जे तो कल एक दो दिन का टाइम देंगे तो ठीक है तो नहीं तो फिर दोबारा जी फोर्स ला के फिर ढाए तो जाने ही नजायज कब्जा तो छड़ाया ही जाना ये तो कोई पक्का। इस नाल ही अजीत खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। कुछ होर नवी खबरों नाल फिर तो हाजिर होवांगे। तद तक लई आग्या दिओ सत श्री अकाल। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तों नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।